हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्ट्रक्टर्स पॉइंट। सो टुडे आई एम हियर जस्ट टू शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद कॉग्निजेंट जेंसी प्रोफाइल। एंड कॉग्निजेंट जेंसी में इंटरव्यू जो मैंने दिया है, इसको डिटेल्स शेयर करने से पहले आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट द कम्प्लीट सेलेक्शन प्रोसेस ऑफ दिस रोल। सो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा और ये आप फॉर्म जब भरोगे वो सुपर सेट से भरते हो। सुपर सेट एक वेबसाइट है जिसमें इसके हेल्प से कॉग्निजेंट हायर करती है। तो आप सुपर सेट से फॉर्म भरे तो उसके कुछ सम डेज के बाद यू विल गेट द इन्विटेशन लिंक फॉर द टेस्ट एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट इन दैट गिवन टाइम। सो आपने जब टेस्ट दे दिया तो उसमें टेस्ट में आपके थ्री सेक्शंस रहेंगे, वन इज़ इंग्लिश एंड वन इज़ एप्टीट्यूड एंड वन इज़ रीजनिंग। सो इन एप्टीट्यूड सेक्शन यू विल गेट 24 क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व इन 35 मिनट्स एंड इन केस ऑफ रीजनिंग यू विल गेट 25 क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व इन 35 मिनट्स एंड देन कंसीडरिंग अबाउट द केस इन इंग्लिश यू विल हैव टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज आई हैव गिवन द टेस्ट 2 months बैक। सो आई क्लियरली डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द इंग्लिश सेक्शन। So this was how the test was made for us for a Gen Z developer role. And then there is a sectional cutoff of 60% in each of the sections. If you clear that, then you will get the interview invitation mail. And aapko interview invitation mail aayegi after, in my case, it was after 17 days I was intimated about that you have cleared the test and you have are invited for the interview, technical interview. And here only one interview is there in the cognizant agency developer role. So आपका एक interview होगा और आपको given date पे interview schedule किया जाता है और उस date पे आपको interview देने जाना होता है। So this will be virtual in my case because of the COVID-19 pandemic. You will also have to give the interview virtually in the current scenario. So अभी आपका interview की date आई है, आप interview देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप nervous नहीं होइएगा इसमें and the interview will be very easy. बिलीव मी, द इंटरव्यू वॉज द ईजीएस्ट वन। एंड आपको क्या, आपसे सबसे पहले आप जाओगे तो आपको वो ग्रीट करेंगे, बहुत अच्छे इंटरव्यूअर आते हैं कॉग्निजेंट की तरफ से भी। एंड यू विल आप बी आस्क्ड टू शो अ पैन कार्ड, सो यू नीड टू हैव योर पैन कार्ड विद योर सेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो आप पैन कार्ड शो करोगे वहाँ पे, तो उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस इंटरव्यू वो स्टार्ट करेंगे। सो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपको ग्रीट करेंगे, आप भी उनको ग्रीट करो। एंड देन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछेंगे वो इंट्रोडक्शन ही पूछेंगे एज यूजुअल। सो आपको इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इंट्रोडक्शन में अगर आप अपना प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता दोगे तो ये आपके लिए बहुत भी बहुत अच्छा होगा बिकॉज फिर इंटरव्यूअर उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन में ही बता देता हूँ कि आपका जो रहता है कि प्रोजेक्ट्स हमने क्या बनाए हैं एंड अबाउट माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड अबाउट माय कॉलेज एंड अबाउट माय स्किल्स, ये तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करता हूँ। एंड देन आफ्टर दैट ही हैज़ आस्क्ड मी अबाउट टेल मी द योर फेवरेट सब्जेक्ट इन योर बीटेक। सो आई हैव अ गुड नॉलेज इन जावा, सो आई मेंशन दैट सब्जेक्ट। सो आफ्टर आई सेट जावा, ही हैज़ आस्क्ड मी टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। सो जावा में उसने हमसे बहुत सिंपल सा प्रोग्राम दिया था एंड इट्स वॉज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम टू रन एंड द प्रोग्राम वॉज ऑफ प्राइम नंबर, सो दैट वॉज वेरी ईजी। एंड यस, यू हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम देयर एंड टू शो द एग्जैक्ट आउटपुट टू द इंटरव्यूअर। एंड देन ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन इन फ्रॉम द DBMS एंड दैट क्वेश्चन वॉज लेफ्ट आउट ऑफ जॉइन, सो आई आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। एंड देन ही आस्क्ड मी सम सिंपल क्वेश्चन सच एज वॉट इज मशीन लर्निंग and what is cloud computing and one or two more questions were there and yes, he has asked me only 6 questions. These only 6 questions were asked from me and I've answered all these questions. So after that he has asked me that do you have any questions. So I've asked him that can you please explain me, can you please tell me how can I improve myself. So he has answered that and this was the complete interview process and complete interview of the Gen Z developer role. So friends, I think Cognizant का जो ये interview होता है और इसमें आपको difficulty नहीं आनी चाहिए clear करने के लिए and prepare yourself for the test basically and then the interview will be very easy and you will be asked some of the questions only.
So hope you will all succeed in the upcoming Cognizant hiring, which is for 2022 batch, and you will get selected in the Cognizant. So please do subscribe to our channel, and please do watch our videos, and please do share our video, and so that we can continue to make videos for you. So thank you for watching this video. Bye bye, Tata. See you again in the next video. Bye bye. Have a nice day.